बजाय ये कि बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए बस लाएं, बजाय ये कि मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस खरीदें, इन्होंने सबसे ज्यादा अगर गाड़ियां खरीदी तो बुलडोजर खरीदे सबसे ज्यादा। मैं हैरान हुआ जब पिछले दिनों मैंने श्रीनगर में तस्वीरें देखी, जैसे अभी हमने मोटरसाइकिल का रैली निकाला उसी तरह इन हमारे हुकुमरान ने कश्मीर में बुलडोजरों का रैली निकाला लोगों को डराने धमकाने के लिए, और एक नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, सौ बुलडोजर खरीद के पूरे सौ के सौ लाइन में लाके वहां दिखाया लोगों को। तो अचानक उन्होंने ऐलान किया जो चलो फिलहाल बंद। जब बुलडोजरों से लोगों को तंग करना बंद हुआ तो फिर एक नया हड़बा, चले नाब जिनके मकान हमने छोड़ दिए उन मकानों पे हम टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स। फिर साथ में ये भी कहा, कहा कि ज्यादा नहीं होगा, हमारी कमाई बहुत कम रहेगी। अरे नाब, अगर आपकी कमाई कम रहेगी तो करना क्यों? मैं मानता अगर अरबों में आप कमाते उसका यहां फिर इस्तेमाल होता तो ठीक है ना, हम भी फिर इस पर गौर करते। फिर आप खुद कहते हो कि आप हमने प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा कमाना नहीं है, तो अगर कमाना नहीं है तो फिर मकसद क्या? मकसद यही होगा कि लोगों को सताना है, तंग करना है। हम यहां रोजगार दे नहीं सके, चलिए इसी बहाने यहां के नौजवान जो है वो आबाद हो जाएंगे, उनको उनको रोजगार मिलेगा, उनको नौकरियां मिलेंगी। देखें तब से लेके आज तक कहां लगे वो, उल्टा जहां लिस्ट निकला वहां दूसरे दिन शिकायत और तीसरे दिन लिस्ट ही रद्द। अब आप देखें पुलिस के सब इंस्पेक्टर लिस्ट बना और बिल्कुल जैसे सदोत्रा साहब ने कहा वहां इल्जाम लगे कि ना पैसों की बुनियाद पे लिस्टों में नाम डाले गए, वो लिस्ट कैंसिल। आज तक वो सब इंस्पेक्टर नहीं लगे, फाइनेंस असिस्टेंट बैंकों में, बाकी जगह जहां इम्तिहान जहां लिस्ट वहां धांधली वहां कैंसिल।